नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 मार्च, देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आज 10 मार्च के दिन के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इस पर एक लाइक आप जरूर कर दिया करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज 10 मार्च के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों इडुक्की, जो कि केरल का एक जिला है, कि किस उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है हाल ही में। तो दोस्तों इडुक्की जो कि केरल का जिला, उसके मयूर गुड़ एक जो कि इडुक्की का एक उत्पाद है, उसको हाल ही में दोस्तों भौगोलिक संकेत का टैग मिला है हाल ही में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मयूर गुड़ को जो कि इडुक्की का एक उत्पाद है, उसको हाल ही में दोस्तों भौगोलिक संकेत का GI भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है। तो आप याद रखिएगा मयूर गुड़ जो कि इडुक्की केरल का एक जिला है, वहाँ का एक उत्पाद है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है मयूर गुड़, जिसको दोस्तों हाल ही में GI टैग यानी भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये जो गुड़ है मयूर गुड़, वह केरल के इडुक्की जिले में बनाया जाता है, केरल के इडुक्की जिले का उत्पाद है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई केरल के इडुक्की जिले के मयूर गुड़ की, बात कर लेते हैं जो GI टैग दिया गया, जो भौगोलिक संकेत टैग दिया गया वो होता क्या है। तो दोस्तों GI टैग या भौगोलिक संकेत टैग जो दिया जाता है, सामान्य भाषा में कहें तो दोस्तों वह जिस उत्पाद को दिया जाता है वह उस स्थान पर ही वह विशिष्ट वस्तु पाई जाती है। दोस्तों जो वस्तु, जिस वस्तु को यह टैग दिया जाता है, वह वस्तु उसी किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है, या तो उसी तथा उस विशिष्ट स्थान का प्रतिनिधित्व करती है जिस वस्तु को दोस्तों GI टैग दिया जाता है। तो अब इसे याद रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस वस्तु को या जिस उत्पाद को GI टैग दिया जाता है, वह वस्तु उस विशिष्ट स्थान का, उस विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा वह वस्तु उसी एरिया में ही पाई जाती है विशिष्ट रूप से, इसीलिए दोस्तों उसको भौगोलिक संकेत टैग या GI टैग दिया जाता है। तो अब इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं, जो GI टैग दिया जाता है, जो भौगोलिक संकेत टैग दिया जाता है, वो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। टोटल 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जो GI टैग होता है वो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। उसके बाद दोस्तों उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो GI टैग दिया जाता है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए वैध होता है तथा इसके बाद में रिन्यू भी कराना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों को बता दूँ कुछ प्रमुख उत्पाद जिनको GI टैग दिया गया था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों तिरुपति के लड्डू को GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों कांगड़ा पेंटिंग है, उसको GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों नागपुर के संतरे को भी GI टैग मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों कश्मीर पश्मीना जो साल होती है, उसको भी GI टैग मिला हुआ था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद है जिनको GI टैग मिला हुआ है। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने हाल ही में कितने निःशुल्क LPG कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है। तो दोस्तों हाल ही में 7 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दोस्तों हाल ही में सरकार द्वारा निःशुल्क LPG कनेक्शनों के 7 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। दोस्तों हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार, उसने आज 8 मार्च के दिन 7 करोड़वां LPG कनेक्शन निःशुल्क बांटा है। तो टोटल इसको 7 करोड़ का लक्ष्य सरकार द्वारा पा लिया गया है निःशुल्क LPG कनेक्शन बांटने का। तो इसे याद रखिएगा, 7 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे, ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत दोस्तों सरकार ने 7 करोड़ LPG कनेक्शन बांट दिया है पूरे भारत में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो उज्ज्वला योजना है वो किसके द्वारा कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों कब शुरू की गई, तो मई 2016 में, जो BJP की गवर्नमेंट है दोस्तों, केंद्र सरकार BJP की, उसके द्वारा मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वह मई 2016 में शुरुआत की गई थी। इस तरह इसकी जो टैगलाइन थी, किस टैगलाइन से शुरुआत की गई थी, तो टैगलाइन आप याद रख सकते हैं, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो दोस्तों ये जो उज्ज्वला योजना है उसका जो टैगलाइन है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आप इसे याद कर सकते थे, जो पहला सिलेंडर इस योजना के तहत बांटा गया था दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बांटा गया था। आप इसे भी याद कर सकते हैं, जो उज्ज्वला योजना है उसको, उसका पहला सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत ये जो उज्ज्वला योजना है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ये उज्ज्वला योजना का संचालन किया जाता है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा।
अगला है दोस्तों, हाल ही में किसे वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सुभाष गर्ग को, सुभाष गर्ग को दोस्तों हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। हाल ही में सुभाष गर्ग को दोस्तों वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ए हैं सुभाष गर्ग जी, इनको हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इनको सुभाष चंद्र गर्ग को दोस्तों हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों को बता दूँ, ये जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं इन ये 1983 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर भी हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये जो सुभाष गर्ग हैं दोस्तों ये 1983 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर भी हैं। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूँ, ये जो सुभाष गर्ग हैं वो अजय नारायण झा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है वित्त सचिव में। जो दोस्तों ये जो सुभाष गर्ग हैं उनको अजय नारायण झा के स्थान पर वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अजय नारायण झा हैं वो 28 फरवरी को ही सेवानिवृत्त रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, 28 फरवरी को ही। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2018 कुल कितने महिलाओं को प्रदान किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो नारी शक्ति पुरस्कार जो हमारे प्रधानमंत्री सॉरी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी के द्वारा टोटल 44 महिलाओं को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। टोटल 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इन्हीं के द्वारा 8 मार्च के दिन राष्ट्रपति भवन में टोटल 44 महिलाओं को दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, इसी दिन श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दोस्तों 44 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन में किया गया। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम हुई थी 1991 में। 1991 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम बार नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। तो उसी दिन से तब से ही 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो कि हमारा करंट अफेयर्स पे आधारित रहता है आपको आपके लिए हेल्पफुल लगता है, आपको फ़ायदा पहुंचाता है, तो दोस्तों इस वीडियो पे आप लाइक आप जरूर कर दिया करें। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर दोस्तों 20 लाख रुपए कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा को दोस्तों बढ़ाकर टोटल 20 लाख कर दिया गया है। पहले यह सीमा थी दोस्तों कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख थी, इसको बढ़ाकर अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दी गए दोस्तों, इससे दोस्तों सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के जितने भी कर्मचारी हों उनको लाभ मिलेगा। तो अब इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा कितनी बढ़ाकर की गई है, बात कर लेते हैं ये होती क्या है ग्रेच्युटी। तो दोस्तों ग्रेच्युटी एक प्रकार का लाभ होता है, एक प्रकार का मौद्रिक लाभ होता है, एक प्रकार का जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके सैलरी के अलावा जो कंपनी के मालिक द्वारा आपको पे किया जाता है उसको ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, सैलरी के अलावा जो भुगतान आपको जो मौद्रिक लाभ आपको मिलता है, सैलरी के अलावा जो कंपनी के मालिक द्वारा आपको पे किया जाता है उसी को ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दूँ ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी संगठन का किसी कंपनी का कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम 5 वर्ष तक कार्य करना ही पड़ता है। मिनिमम 5 वर्ष तक अगर आपने कंपनी में कार्य किया है तभी आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। तो दोस्तों आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत द्वारा हाल ही में चक्र 3 पनडुब्बी के किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? दोस्तों आपको बताएं कि हाल ही में भारत द्वारा चक्र 3 पनडुब्बी के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत के द्वारा? तो दोस्तों रूस के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। रूस के साथ भारत ने चक्र 3 पनडुब्बी के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने। तो आप इसे याद रखिएगा रूस के साथ। दोस्तों को बता दूँ ये जो चक्र 3 पनडुब्बी है उसका
उसको लीज पर लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया भारत और रूस के बीच में। तो जो चक्रत्री पनडुब्बी उसको लीज पर लिया जाएगा कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। भारतीय नौसेना इसका उपयोग करेगी लीज पर चक्रत्री पनडुब्बी का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है चक्रत्री पनडुब्बी, इसको टोटल 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने के लिए समझौता किया गया। टोटल 10 वर्षों के लिए लीज पर लिए जाने के लिए समझौता किया था। इसको जो उपयोग करेगी चक्रती पनडुब्बी का वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाएगा, तथा जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया वो रूस के साथ किया गया है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये तो बात हो गई पनडुब्बी की, बात कर लेते हैं रूस के साथ, रूस की जिसके साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो दोस्तों को बता दूँ रसिया की बात जैसे ही आए तो वहाँ के बारे में आपको एक फैक्ट्स याद होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया के मामले में रसिया है। तो आप याद कर सकते हैं एरिया के मामले में नंबर 1 पे आता है रसिया, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है रसिया की वो है मॉस्को है। यहाँ के वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, तथा वर्तमान में इसकी जो करेंसी है वो रूबल है। तो आप एक चीज़ें भी रसिया के बारे में याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो का उद्घाटन किया। नहीं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नागपुर मेट्रो का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों को बता दूँ नागपुर मेट्रो के साथ ही महाराष्ट्र में दो दो मेट्रो शहर हो गए हैं। इसके साथ ही नागपुर में मेट्रो महाराष्ट्र का दूसरा मेट्रो शहर बन गया है, तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटित नागपुर मेट्रो की। बात कर लेते हैं जहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान में राजधानी वो है मुंबई है। वर्तमान में टाइम में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैं। वर्तमान में गवर्नर है चेन्नामनेनी विद्यासागर राव हैं। विधानसभा के टोटल 288 सीटें हैं, लोकसभा के टोटल 48 सीटें हैं, तथा राज्यसभा की 19 सीटें हैं। ये सभी फैक्ट्स भी याद रखिएगा महाराष्ट्र के बारे में। एक चीज़ और दोस्तों, जहाँ पे इस मेट्रो का शुरुआत किया गया नागपुर मेट्रो में, दोस्तों नागपुर से रिलेटेड एक फैक्ट्स आप जरूर याद में रखिएगा, नागपुर का संतरा जिसको GI टैग मिला हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नागपुर के संतरे को दोस्तों GI भौगोलिक संकेत टैग मिला हुआ था, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की नई गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में पद्मा लक्ष्मी को UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, पद्मा लक्ष्मी को दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पद का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये हैं पद्मा लक्ष्मी, जो कि एक भारतीय मूल की दोस्तों भारतीय मूल की अमेरिकी टेलीविजन हस्ती एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं। दोस्तों ये जो पद्मा लक्ष्मी है ये भारतीय मूल की अमेरिकी टेलीविजन हस्ती एवं खाद्य विशेषज्ञ, जिनको दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पद्मा लक्ष्मी को, तब इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गुडविल एम्बेसडर की, बात कर लेते हैं UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या कहें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करता है। ये जो UNDP है दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तथा जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी UNDP के। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों हाल ही में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं के द्वारा दोस्तों हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दोस्तों किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, इसका उद्घाटन जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पुरातत्व संस्थान की बात कर लेते हैं, कहाँ पे ये किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी वर्तमान में दोस्तों वो है लखनऊ है। यहाँ के जो वर्तमान में इस टाइम में सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं, तथा उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, दो उप चीफ मिनिस्टर भी हैं। कौन कौन से हैं? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री। इसके बाद दोस्तों यहाँ के जो वर्तमान टाइम में गवर्नर हैं वो हैं राम नाईक। तो ये चीज़ें भी आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जो कि हमारा करंट अफेयर्स पर आधारित है 10 मार्च का, तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आता है, आपको वो हेल्पफुल लगता है, दोस्तों एक लाइक आप इस पर जरूर कर दिया करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।